Hello everybody, my name is Ishan and you are watching Ishan Vlogs. So guys, आज की इस वीडियो में हमारे पास रहने वाली है TVS की ये wego जो कि है 2019 की बिल्कुल नई मॉडल जैसा कि आप देख पा रहे हैं और ये जो वेरिएंट है ये ड्यूअल टोन वाला वेरिएंट है. तो चलिए शुरू करते हैं इसके स्पीडोमीटर से. तो ऐसा मिलेगा आपको स्पीडोमीटर का कुछ इंटरफेस जैसे कि आप देख सकते हैं. यहाँ पे आपको फ्यूल इकोनॉमी फ्यूल दिखाएगा, यहाँ पे आपको ओडोमीटर दिखेगा. तो आप ओडोमीटर को उस बटन से चेंज भी कर सकते हैं. ट्रिप देखा आपने, यहाँ पे आपको मिलेगा फुल्ली डिजिटल ट्रिप मीटर और जैसा कि आप देख पा रहे हैं. और यहाँ पर आपको मिलेगा इको और यहाँ पर आपको मिलेगा पावर. तो अगर मैं इसे स्टार्ट करता हूँ और ऐसे ही मैं एक्सेप्ट करता दूंगा तो देख पा रहे हैं ऐसे आगे कुछ पावर की बटन. अब जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूँ तो ये बहुत अच्छे स्टाइल में ऑन होता है जो कि आप देख सकते हैं. ये देखिए तो ऐसा मिलेगा. तो चलिए पहले मैं आपको इसकी पहले की दिखा देता हूँ. तो ऐसे ही मिलेगी आपको इसकी की. ज़्यादा देखिए कुछ ऐसे डिज़ाइन में मिलेगी, नॉर्मल सी है, कुछ ज़्यादा अच्छी सी नहीं है. चलिए पहले मैं आपको स्विचेस दिखा देता हूँ उसके कहाँ क्या है. तो आप देख रहे हैं ये आपकी पास लाइट की स्विच, ये है आपकी इंडिकेटर की स्विच, ये आपकी हॉर्न हॉर्न का आवाज़ कुछ ऐसा है. ये है आपका सेल्फ स्टार्ट का बटन. यहाँ पे आपको मिल जाएंगे दो रियर व्यू मिरर्स जो जिसकी विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी है. तो चलिए पहले मैं आपको इसकी पूरी एक वॉक अराउंड दे दूँ, उसके बाद शुरू करते हैं इसकी डिटेल्ड रिव्यू. तो जैसा कि आपने देख लिया इसका पूरा वॉक अराउंड, तो चलिए अब इसकी की फीचर से शुरुआत करते हैं. तो इसका पेंट जॉब भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का पेंट जॉब है. और ये आप देख सकते हैं फाइबर आपको मिलेगा, ये भी आपको फाइबर मिलेगा और ये आपको स्टील का मिलने वाला है. यहाँ पर आपको मिलेगा wego 110 की एक स्टिकरिंग और यहाँ पर लिखा है बॉडी बैलेंस टेक्नोलॉजी से ये आती है. उसके बाद आपको इसमें मिलेगा, देखिए यहाँ पर स्टिकर भी है, JD पावर में 2016 और 15 में स्कूटर को अवार्ड भी मिला है. यहाँ पे आपको मिलेगा सिंक ब्रेकिंग सिस्टम का एक स्टिकर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दो ब्रेकिंग के केबल्स लगे हैं, यानी कि अगर आप रियर ब्रेक को भी प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं वो भी इंगेज हो जाएगा, फ्रंट ब्रेक भी थोड़ा सा, यानी कि आप गिरोगे नहीं, ये आपकी सेफ्टी की फीचर है. और अंदर यहाँ से आप देखिएगा तो ड्यूअल टोन है जो कि बेज नहीं, ब्राउन और बेज का फिनिश में दिखाया गया है जैसे कि आप देख सकते हैं, जो कि स्कूटर के लुक को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है, लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है. ये आपका साइड का लुक काफ़ी वाइड है. यहाँ पे आपको मिलेगी ग्रैब रेल जो कि बहुत अच्छे से आपको ग्रिप देगी. यहाँ पर आपको मिलेगा TVS का ये लोगो और फुल्ली LED लैम्प, पहले मैं आपको उसे जला कर दिखाता हूँ. तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये LED स्ट्रिप है पूरी, बीच में भी तीन आपको LED होल लाइट मिलेंगे, साइड आपको इंडिकेटर मिलेगा, तीनों चीज़ें एक ही साथ हैं. यहाँ आपको TVS का ब्रांडिंग, यहाँ पे आपको मिलेगा एक अच्छा सा मटका जो कि पीछे पानी नहीं आने देगा. ये आपको इंजन मिलता है, यहाँ आपको साइलेंसर मिलता है. तो चलिए पहले मैं आपको अब इसकी साउंड भी दिखाई देता हूँ. और जैसा कि आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. ये देखिए स्कूटर स्टार्ट हो गई है, अब मैं आपको इसकी पूरी साउंड सुना देता हूँ. ये आप देख रहे हैं CVTi इंजन का साइलेंसर. तो ऐसा आएगा आपको कुछ साउंड. आगे की तरफ आपको मिलेगी अलॉय व्हील, यानी कि आपको दोनों आगे पीछे दोनों चक्कों में अलॉय व्हील ही मिलने वाली है, जो कि बहुत अच्छा काम किया कंपनी ने. TVS अपनी ज़्यादातर स्कूटर्स में अलॉय व्हील दे रहा है और ये सेम अलॉय व्हील आपको देखने के लिए मिलेगा TVS जुपिटर में. तो वही सेम अलॉय व्हील इसमें भी लगा दिया है TVS ने और पीछे का भी अलॉय व्हील आप देख पा रहे हैं. तो ऐसा है पीछे का अलॉय व्हील. और जैसा कि आप जानते ही हैं कि इसमें CVTi सेम इंजन लगा हुआ है जो कि TVS जुपिटर में आता है, जो कि यह CVTi नेक्स्ट जनरेशन इंजन. और जहाँ तक इंजन की बात है, ये है 110cc का इंजन जो कि सिटी राइड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इनफ है. मतलब आपको सिटी राइड्स में चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी कभार आप बाहर जा सकते हैं.
रियर सस्पेंशन की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे आपको मिलने वाली है गैस गैस फिल्ड सस्पेंशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा नर्म है, गड्ढों को काफ़ी अच्छे से ये सोख लेता है। और आगे की शॉक एब्जॉर्बर्स की बात करते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। साइड स्टैंड भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा स्लिमिंग है। और यहाँ पे आपको मिलेगा पैर रखने का एक सपोर्ट, यहाँ भी आपको मिलेगा एक सपोर्ट, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी स्कूटर है ये। इसके एक और की फीचर ये है कि आपको इसमें मिल जाता है एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ से आपको मिलेगा ऑप्शन एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग का, इधर आप इधर की तरफ ट्विस्ट करेंगे तो आपका ये बूट स्पेस खुल जाएगा, यहाँ पे आपका रिजर्व, इसमें आपको ऑयल का टैंक खुल जाएगा। तो देखिए मैंने इसे इधर घुमाया और साइड से ये टैंक खुल गया, तो ऐसा इसका टैंक यहीं से आप भर सकते हैं, आपको उतरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी काफ़ी कन्वीनियंस का फीचर TVS ने दिया है और लगभग सारी स्कूटर्स में देता ही है, ऐसे जुपिटर में भी ये आपको मिलेगा ये। और तो ये था इसका एक्सटर्नल फ्यूल, और ऐसा है इसका बूट स्पेस, इसमें इस बूट स्पेस और इसमें आप एक फुल साइज हेलमेट आराम से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सो गाइज ये थी TVS की 2019 वीगो, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा चमक भी रही है इसका ये पिन, जो भी काफ़ी अच्छा, अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो आप भी इसी कलर के ले जाइए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर है। सो आपको अगर ये स्कूटी अच्छी लगी हो और ये वीडियो भी पसंद आया हो तो लाइक करें और आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि मैं अभी बिल्कुल नया हूँ इस यहाँ पर, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, आप ही के सपोर्ट से मैं आगे बढ़ा हूँ और यहाँ तक भी आप ही के सपोर्ट से आया हूँ। सो टिल देन बाय।